भर की खबरों के साथ आइए देखते हैं एक नजर खास खबर उल्लेख न्यूज के साथ। सहरसा में केंद्र सरकार अग्निपथ योजना के विरोध स्वर के बीच विपक्षी पार्टियों की ओर से बिहार बंद का आह्वान किया गया, जिसमें आरजेडी सभी प्रमुख विपक्षी पार्टियों ने बंद का समर्थन करते हुए केंद्र अग्निपथ योजना को युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ बताते हुए तत्काल वापस लेने की मांग की। बताते चलें कि केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना को लेकर पूरे देश में विरोध का माहौल चल रहा है। इसका सर्वाधिक असर बिहार में ही पड़ा है, जहां करीब आधा दर्जन ट्रेनों को आग के हवाले किया गया। इसके चलते सरकार को करीब 200 करोड़ का नुकसान होने का अनुमान है। मामला है, सड़क पर बैठ के आंदोलन कर रहे हैं। देखिए, ये जो केंद्र सरकार है, डफोल संघ की सरकार है, ये छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। आज देखिए, देश के सैनिक के साथ जो कि मतलब ये जो कि गड़बड़ी कर रहा है, देश को फिर से गुलामी की ओर ले जा रहा है। चाहता है कि देश में कोई सैनिक बने ही नहीं कोई छात्र, ताकि विदेशी आक्रमणकारी जो है इस देश पर हमला कर दे और मैं उसका पुरोधा बन जाऊं और इस देश पर राज करूं, इसका मात्र यही मानसा है। ये लगातार संविधान के साथ, संविधान में जो इस तरह से सैनिक का बहाल करने का प्रक्रिया दिया गया है, उनके साथ यह छेड़छाड़ कर रहा है। मतलब बुझ लीजिए, इनके जो गुरु गोलबरकर आरएसएस के बैठे हुए हैं प्रमुख, उनके इशारे पर ये संविधान को और छात्र के भविष्य के साथ, नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। हम लोग बैठे हुए हैं कि ये जो अग्निवीर बिल जो लागू किए हैं, इनको वापस ले, तब ये जाकर के हमारा आंदोलन समाप्त मतलब शांत होगा। क्या नाम है? लगातार आंदोलन चलते रहेगा। मेरा नाम संतोष राम है, मैं इनौस में राज्य कार्यकारिणी सदस्य हूँ, साथ ही सहरसा का जिला अध्यक्ष।